चलो कोई काम धाम तो बचा नहीं है, एक्टिंग ही सीख लेते हैं, लेकिन टीचर कौन सा लूँ यार। आओ मेरे बेटे, सॉरी मेरे शिष्य, क्या काम है? सर टिकटॉक तो बंद हो गया है, तो मुझे एक्टिंग सीखनी है ताकि मैं बॉलीवुड में स्टार बन जाऊँ। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो शिष्य, चलो कोर्स शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो आपको पता ही चल गया होगा एक बड़े फैसले के बारे में कि मद्रास हाई कोर्ट ने ले लिया है एक बड़ा फैसला। उन्होंने कर दिया है टिकटॉक को बैन इंडिया में। हाँ, बैन कर दिया गया। सबसे पहले तो ये हम यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की गर्मी में भाई मतलब सरदर्द हो गया गया। लेकिन आखिरकार सरदर्द की जड़ ख़त्म हो गई। तो ऐसा फैसला मद्रास हाई कोर्ट ने इसलिए लिया क्योंकि ये टिकटॉक पे आरोप लगा था कि वो इंडियन यूजर्स का डाटा चाइना को दे रहा है। हाँ मतलब आप जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं वो पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टिकटॉक चाइना को दे रहा था, इसीलिए ये बड़ा फैसला जल्द से जल्द लिया गया। इस बैन से हम इंडिया वालों को बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। कई पेरेंट्स ने दावा किया कि टिकटॉक के चलते उनके बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। टिकटॉक वीडियो बनाते बनाते कई एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस बोलने जा रहा था, हुए। दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, तमिलनाडु में एक वीडियो बनाते बनाते आदमी मतलब उसकी डेथ हो गई। और आज का जो चीन का मुद्दा चल रहा है बॉयकॉट चाइना, इसके चलते ये फैसला बहुत जल्दी ओवरनाइट ले लिया गया। तो गाइस, इस खबर को सुन के मैं तो बहुत खुश हूँ और होप सो आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और जैसे कि अमेरिका इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो खबरें आ रही हैं कि टिकटॉक अमेरिका में भी बैन हो सकता है। सारे चाइनीज ऐप अमेरिका बैन कर सकता है। तो दोस्तों, होप सो आप लोग को पूरा मैटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा यही मकसद था कि आपको पूरा मैटर अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। बाय बाय।